यूपी में होने वाले सीएम नीतीश की रैली को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने सीएम नीतीश पर तंज कसा और कहा कि महादेव की नगरी है आए, हमने सुना है कि जहां कणकण में शिव हैं वहां नीतीश कुमार आ रहे हैं। तो वहीं सम्राट चौधरी ने भी सीएम नीतीश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को वार्ड काउंसिलर जितना भी वोट नहीं मिलेगा। तो आपको बताते चले कि रवि किशन ने सीएम नीतीश पर तंज कसा है और आपको बताते चले कि महादेव की नगरी है आए, रवि किशन का ये कहना है। आपको बताते चले कि इनका कहना है कि जिंदगी खंड खंड बा नीतीश बाबू। विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे और ये बताया जा रहा है 24 का चुनावी प्रचार वहीं से शुरू करेंगे। महादेव की नगरी है आए, कण कण में शिव है वहां सुने नीतीश जी आ रहे हैं। तो नीतीश बाबू इतना कह दें आपके क्षमा के साथ, बहुत बड़का लीडर बड़ा आवा फरियाल नीतीश बाबू। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के नेता हैं, कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाने वाले नेता हैं, $5 ट्रिलियन ले जाने वाले नेता हैं इस देश को, उनसे आप लड़ने आ रहे हैं। स्वागत है, डेमोक्रेसी है, लेकिन नीतीश बाबू इतना कह कि आवा हो फरियाल महादेव की नगरी में देखल जाए। और स्टेट में भी जा रहे हैं वो। अरे जहाँ भी जाए आवा, पहले तो बनारस फरियाल हमारे प्रधानमंत्री जी से। अरे बाबा रे बाबा का हो ही यह कह कि जिंदगी खंड खंड नीतीश बाबू अबो घमंड। देखिए नीतीश बाबू अभी मध्य प्रदेश इनकी पार्टी लड़ने गई थी, हमारे पटना में जितना भारतीय जनता पार्टी के एक वार्ड काउंसलर चुनाव जीत कर आते हैं जितना वोट उनको आता है, वहां सारे कैंडिडेट को जोड़ दीजिएगा उतना वोट वहां के सभी उम्मीदवार को भी नहीं मिला। इसलिए नीतीश कुमार जी बनारस जाएंगे तो वहां भी उनको वार्ड काउंसलर इतना भी उनको वोट नहीं मिलने वाला।